हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मेजर लीग सॉकर का मैच और स्पोर्टिंग कैनान सिटी वर्सेस डीसी यूनाइटेड के बीच बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, देन स्पोर्टिंग और डीसी यूनाइटेड में अगर देखा जाए, तो ये जो मैच होने वाला है 7 घंटे बाद, इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि स्पोर्टिंग टीम जो है वो ये मैच लेके जाएगी, मीन्स जीतेगी, क्योंकि स्पॉटिंग का विनिंग रेशियो एंड ब्लॉक शॉट, समझ रहे हो, मतलब रोकते सामने वाले का गोल रोकना, ये बहुत ज़बरदस्त टीम है। मतलब अगर खुद ये एक गोल करती है तो कोशिश करती है कि सामने को एक भी ना करने दे, अगर खुद 4 गोल करती है तो कोशिश करते हैं ऊपर को सामने वाली टीम को 1-2 से ना बढ़ने दे, मतलब बहुत बढ़िया है। तो बात करें गोल कीपर की, ओचोआ, लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने गोल कीपर तो उल्टा ले लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं डिफेंडिंग की बात कर रहा था। मेरा कहने का मतलब है स्पॉटिंग की डिफेंडिंग अच्छी, लेकिन अगर मैं गोल कीपिंग की जहाँ तक बात आती है तो गोल कीपिंग में तो मैं डीसी यूनाइटेड के साथ ही हूँ। तो बात करें अगर यहाँ पे जूसी की, देन मैं आपको बता दूँ ये जो आप 4 के 4 प्लेयर देख रहे हैं, ये चारों जितने भी आपको दिख रहे होंगे जो मेरे सिलेक्टेड डिफेंडर्स हैं, ये चारों सामने वाली टीम को पूरा का पूरा प्रेशराइज कर देते हैं। सब में इनमें से सबसे बढ़िया 2 प्लेयर मुझे लगते हैं, एक जूसी एक फोंटेस। मैं आपको बता दूं फोंटेस को भी मैं राय दूंगा मत छोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने पिछले मैच के अंदर गोल किया तो वो नहीं छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले मैच में भी ये मेरी टीम में था, आज भी मेरी टीम में है। पिछले मैच के अंदर मतलब इसने सिर्फ 14% सेलेक्टेड था और आज ये 44% सेलेक्टेड है, तब भी मेरी टीम में है। 100% हो, 2% हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं लूँगा। एंड बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है निकोलस मिरिन चलान, ठीक है, लेकिन आप इससे हारो मत, कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। एंड स्वेट की बात करें, कोई बात नहीं, आप स्वेट को भी लो, क्योंकि ये रिस्क काम आएगा, ये रिस्क मेरे को लग रहा है आपके काम ज़रूर आएगा। आपको पता है कि आपने नेजर छोड़ा है, आपको एक तरफ से ये लग रहा होगा कि मैंने नेजर छोड़ दिया, लेकिन उसमें आपको बता दूँ अगर आप इसे नहीं छोड़ते तो आपको रिस्क नहीं ले पाओगे, रिस्क फिर काहे का रिस्क। एंड आगे से अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लूँगा RS Espinosa को। RS Espinosa जैसे थोड़ा सा बढ़ोतरी करता हुआ, बीच में बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था, लोगों ने छोड़ वॉल्टर को लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर मैं अब कंपैरिजन करूं तो Espinosa इनसे थोड़ा सा आगे निकला है। एंड मॉरिसन की बात करें, पिछले मैच के अंदर आर मॉरिसन ने किया 1 चांस क्रिएशन। एंड आगे से अगर बात करूं ऑरलैंडो टीम की, ऑरलैंडो टीम ने खेला एवरेज। एंड एम रॉड्रिग्यूज़ की बात करें, यहाँ पर लेंगे मार्टिन रॉड्रिग्यूज़ को। मार्टिन रॉड्रिग्यूज़ पिछले मैच के अंदर अभी कुछ खास करके नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं मार्टिन रॉड्रिग्यूज़ का ना रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ डुर्किन के साथ, तो मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप ग्रैंड लीग वाले हो या ग्रैंड लीग खेलते हो तो डुर्किन को लेना, क्योंकि भाई फिर आपके काम डुर्किन ही आएगा, क्योंकि ग्रैंड लीग में जो गोल लगा सकता है वो डुर्किन ही है। स्मॉल लीग में ये आपको लॉस कनाने से तो बचा देगा, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर जीतने नहीं देगा अगर इसने गोल कर दिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डुर्किन आप ले लेना इसकी जगह अगर आप ग्रैंड लीग खेलने वाले हैं। आगे से बात करें बेंटेके की, बेंटेके पहले क्रिस्टल पैलेस में हुआ करता था, इसको टीम छोड़े काफ़ी समय तो नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दूं बेंटेके का भी काफ़ी बेचारा भटक रहा है, मतलब भटक इन द सेंस 1 साल में 3री टीम चेंज की है। एंड जे रसल की बात करें, रसल का भी तो खास कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसकी जगह ना ये बहुत तगड़ी फॉर्म में है अगाड़ा। अरे भाई मैं आपको बता दूं रसल ने जो गोल किया था वो तो पेनल्टी गोल था, बिना पेनल्टी पे जो सामने वाली टीमों को एक तरफा ख़त्म कर रहे हैं ना, वो अगाड़ा है। अगाड़ा ऐसा खेल रहा है कि आई कैंट स्पेल, मैं बता नहीं सकता। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जे रसल, वाइस कैप्टन अगाड़ा है। चलो ये तो होगी स्मॉल लीग की सेफ टीम, अगर आपको रिस्क लेना है ना, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आज रिस्क ले ही लेता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ अगाड़ा को कैप्टन रख दो, वाइस कैप्टन रसल को, ये टीम फाड़ के रख देगी अगर आप बैकअप के साथ जाओगे। बैकअप के साथ नहीं जाओगे अपनी हार के जिम्मेवार खुद होगे, मैं पहली बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अगर बैकअप के साथ नहीं जाना तो ये टीम आपके लिए बेस्ट है, और अगर जिन्होंने रिस्क लेना और बैकअप भी रखना है उनके लिए वो वाली टीम बेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।